बॉलीवुड के सो कॉल्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आजकल बेहद कशमकश के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही हैं और अब उनको ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं जहां सलमान खान जैसे अपने से कमतर एक्टर से सलाह लेनी पड़ रही है, और सिर्फ सलाह नहीं बल्कि लकी चार्म भी लेना पड़ता है। एक्चुअली एक दौर था जब आमिर खान सलमान खान को ग्रूम कर रहे थे, उनको बता रहे थे किस तरह की फिल्में करनी चाहिए और कैरियर को लेकर चॉइस को लेकर बहुत ही ज्यादा लेक्चरबाजी करते थे। लेकिन दौर बदला और वक्त बदलने के साथ हालात बदल गए, हालात बदले तो जज्बात बदल गए। अब आमिर खान सलाह ले रहे हैं सलमान खान से कि भैया हिट फिल्में कैसे देते हैं, टीच मी, गाइड मी, ग्रूम मी। और इस बात का नजारा दिखा आमिर खान का जब सलमान खान की बहन की पार्टी में वो घर गए थे। मौका था ईद की पार्टी का जहां पर कई सारे सितारे पहुंचे थे, कार्तिक आर्यन भी थे, आमिर खान भी थे, और यहां पर आमिर खान ने फैंस के साथ बात की। लेकिन उनके हाथ में कुछ ऐसा स्पॉट किया गया जिसे लेकर एक नई तरह की थ्योरी स्टार्ट हो गई। एक्चुअली अगर आमिर खान की आप फोटो देखेंगे वहां पर सिंपल प्रिंटेड रेड कलर का कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, लेकिन हाथ में जो ब्रेसलेट पहना हुआ है वो बहुत हद तक सलमान खान के लकी ब्रेसलेट फिरोजे रंग वाले से मैच करता है। बस यहीं से पेंडोरा बॉक्स खुल गया और लोगों को लगा सलमान भाई ने अपना ब्रेसलेट आमिर खान को गिफ्ट कर दिया है, बिकॉज जब बालकनी में सलमान खान नजर आए थे तब उनके हाथ में ब्रेसलेट नहीं था और बाद में आमिर खान के हाथ में सलमान खान का ब्रेसलेट देखा गया। हालांकि बहुत ही बचकानी बात है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर एक नई चीज ट्रेंड कर रही है, और ट्रेंड ये कर रही है कि आमिर खान की बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों का जो अब टोटका है वो इस ब्रेसलेट से पूरा होगा। बिकॉज सलमान खान भी जब अपने साल के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, तब उनके पिता ने उनको फिरोजी रंग का एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। इसके बाद सलमान खान की वांटेड के बाद गाड़ी चल निकल पड़ी और तब से आज तक बैक टू बैक वो हिट फिल्में दे रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी 100 करोड़ का आंकड़ा बहुत ही आसानी से टच कर लेती हैं। एग्जाम्पल है किसी का भाई किसी का जान, जो बहुत ही इजीली 100 करोड़ को टच कर चुकी है बजाय इसके कि उसको बहुत बुरे रिव्यू मिले हैं। जबकि आमिर खान की ठग ऑफ हिंदुस्तान लाल सिंह चड्ढा को बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया गया। ऐसे में आमिर खान चाहते हैं कि सलमान खान उनका लकी चार्म उनके काम आए और उनकी आने वाली फिल्मों में हेल्प करे। वैसे भी दोनों इससे पहले अंदाज अपना अपना पार्ट टू पे काम करने वाले थे, बट वो बात मेटलाइज नहीं हुई। इसके अलावा आमिर खान के प्रोडक्शन की चैंपियन में सलमान खान को रोप इन करने की आमिर खान ने बहुत कोशिश की, लेकिन सलमान खान आजकल अपनी फिल्मों में बिजी हैं, इसलिए आमिर खान के साथ काम नहीं कर पाए। हाँ, आमिर खान के अच्छे गुड लक के लिए अपना लकी चार्म वाला ब्रेसलेट जरूर दे रहे हैं, ये बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर। अब एक तरफ सलमान खान के पास टाइगर 3 है, टाइगर वर्सेस पठान है, किक 2 है, बजरंगी भाईजान का सीक्वल है, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन आमिर खान के पास कहने को कुछ भी नहीं है। एक चैंपियन है जो कि बनने के कगार पर नहीं आ रही है, ऊपर से उनका ये रिटायरमेंट वाला फेज। कुल मिलाकर सलमान खान ने उनको बहुत ही ग्रूम किया है, गाइड किया है, मोटिवेट किया है। अब देखने वाली बात की होगी इस ब्रेसलेट के साथ आमिर खान की किस्मत कितनी चमकती है। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।